हरे कृष्ण। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है आध्यात्मिक जीवन में लाखों गुना लाभ। अब लाखों गुना लाभ के बारे में सुनते ही हमारे मन में विचार आने लगता है कि भाई लाभ तो सबको चाहिए। कोई स्टॉक एक्सचेंज में थोड़े पैसे भी डालता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? कि मुझे दुगना पैसा मिल जाए। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है लाखों गुना लाभ। तो पहले मैं कथा बताऊंगा लाखों गुना का, और उसके पश्चात हम देखेंगे कि कैसे आध्यात्मिक रूप में हर एक जीव को कैसे लाखों गुना लाभ मिलता है। तो दसम स्कंद के 11वें अध्याय श्रीमद् भागवतम में से है, जहाँ पे बकासुर नामक राक्षस का वध होता है। तो उस लीला में बताया जाता है कि एक फल बेचने वाली स्त्री वो आती है और वो चिल्ला रही थी जिसको फल लेना फल ले लो। तो तकरीबन ये 5000 साल पहले की लीला है। तो उस जमाने में पैसे से आदान प्रदान नहीं होता था। तो अगर कोई फल देगा तो उसके बदले में अनाज देंगे या कपड़े देंगे, तो वैसे आदान प्रदान होता था, जिसको अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। तो जैसे ही ये फल वाली ने आवाज़ दिया फल ले लो फल ले लो, तो कृष्ण भगवान जो छोटे से बालक थे उन्होंने माता पिता को देखा था कैसे वो माता पिता जो है अनाज दे के फल लेते थे, तो वो भी अपने हाथों में कुछ अनाज के दाने पकड़ के जाने लगे। लेकिन क्योंकि छोटे से बालक थे, हाथ में मुश्किल से कुछ एक थोड़े ही दाने आए और वो भी पिसल के गिर रहे थे। जब फल वाली ने देखा इतना प्यारा बालक है तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसको बिना अनाज के जितना चाहिए उतना फल दे दूं। तो उनके हाथों में पूरी तरह से उसने फल भर दिए, और बदले में कृष्ण भगवान ने जो उसकी फल की टोकरी थी पूरे हीरे मोती सोने से भर दिया। तो उस प्रसंग में वर्णन आता है कि जो भी भगवान की सेवा करते हैं तो उनका नुकसान नहीं होता, यहाँ तक कि उनको लाखों गुना फायदा होता है, जैसे इस फल वाली को हुआ। तो उसी प्रकार से अगर हम देखें कि हमें आध्यात्मिक रूप से उतना ही फायदा होगा अगर हम भक्ति करेंगे। तो कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं कि अगर कोई भक्ति करता है तो उनके जो आत्मा है उसको परम गति की प्राप्ति होती है। गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में बताते हैं, वासाम से जरनानी यथा विहाय नवानि गृहणानि तरो परानि तथा शरीराणि विहाय जन्यान्य अन्यान्य सन्यानि नवानि देहि। जिस तरह से हम एक कपड़ा निकाल के दूसरा कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही आत्मा जब एक शरीर वृद्ध हो जाता है और उसका अंत हो जाता है तो उसके बाद वो शरीर छोड़ के आत्मा दूसरा शरीर प्राप्त कर लेती है। तो आध्यात्म में लाखों गुना फायदा का मतलब ये है, जब आप भक्ति करते हैं तो भक्ति का फल स्वरूप आपके आत्मा को इतना कल्याण होता है कि जब भी आप शरीर त्यागेंगे तो आत्मा को या तो परम गति की प्राप्त होगी या परम गति के मार्ग पे लेके जाएंगे कृष्ण भगवान, जिससे बहुत ही जल्द आपको भगवत धाम जाने मिल जाएगा। तो ये इसका मूल्य है, लाखों गुना फायदा। एक कहावत आती है हिंदी में, लोग बोलते हैं जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, अर्थात लाखों गुना देते हैं। तो भगवान को अगर देना हो तो भौतिक रूप से भी दे सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान सिर्फ आध्यात्मिक रूप से देंगे, वो तो देंगे ही देंगे, उनका पूरे वचन है शास्त्रों में। लेकिन भौतिक रूप से भी किसी को देना हो तो भगवान वैसे भी दे सकते हैं। तो मैं आपको एक हकीकत कहानी बताता हूँ। एक हमारे साथ के भक्त थे जिसको जो है धन में बहुत उनको मुश्किल थी। सिर्फ उनका ड्राइवर का व्यवसाय था, जितना धन एकत्रित करते थे उनसे उनका राशन भी नहीं चलता था। तो कितनी बार राशन के लिए यहाँ से वहाँ से अपनी माँ के घर से तेल इत्यादि अनाज उनाज लेकर आते थे। मतलब कहने का मतलब है जितना उनका धन था उसमें उनका घर भी ना चलता था। लेकिन वो दृढ़ता से भक्ति करते रहे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इनका फोटो भी हम दिखाएंगे, आज की तारीख में वही व्यक्ति अपने परिवार के साथ अमेरिका में पूरी तरह से सेटल्ड, सिएटल में, और अच्छा से पूरे बंगले में रह रहा है। यहाँ तो ड्राइवर था, वहाँ खुद की गाड़ी है। तो अगर भगवान चाहें तो भौतिक रूप से भी लाखों लाखों गुना फायदा करा सकते हैं। उनका नाम
गणेश पहले था, दीक्षा के बाद गरुड़ करके हो गया है। तो ऐसे अगर आप भक्ति करते रहेंगे, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से निश्चित रूप से कल्याण होगा। ये भगवान की पूरी कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।